हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? आज हम बनाने वाले हैं लौकी की सब्ज़ी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। यह 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और ये बच्चे और बड़े सभी को बहुत अच्छी और टेस्टी लगती है। चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी हम कुकर में बनाएंगे। पहले हम कुकर को गरम कर लेंगे और उसमें ऑयल डाल लेंगे 3 से 4 टेबलस्पून। और फिर ऑयल के गरम होने पर उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच ज़ीरा। ज़ीरे के लाइट ब्राउन होने पर हम उसमें प्याज को ऐड कर देंगे और उसे बहुत ही लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। हमें उसे ब्राउन नहीं करना है, बहुत ही बस लाइट गोल्डन करना है। और फिर जब हमारी प्याज गोल्डन हो जाएगी तो हम उसमें हरी मिर्च जो थी तो उनको ऐड करेंगे और उन्हें भी कुछ सेकंड सॉटे कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम कटे हुए टमाटरों को इसमें डाल देंगे और उन्हें भी चलाएंगे और फिर नमक को ऐड करेंगे। नमक को डालने से हमारे टमाटर जल्दी गल जाएंगे। और नमक को डालने के बाद हम टमाटरों को अच्छी तरह से कुछ सेकंड तक चलाएंगे, लगभग 30 सेकंड तक। और जब ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस को। हल्दी लेंगे 1/4 टीस्पून और लाल मिर्च लेंगे 1 चम्मच। और उसके बाद डालेंगे हम धनिया पाउडर, वो लेंगे हम 1.5 चम्मच। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी हमें पानी नहीं डालना है, पहले इसे थोड़ा सा ऐसे ही सॉटे करना है और आँच को हमें मीडियम टू लो ही रखना है। और जब ये इसका ऑयल अलग हो जाएगा और मसाला अच्छी तरह से बन जाएगा तो हम इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे फिर से थोड़ा और भूनेंगे। इससे मसाले का कच्चापन निकल जाएगा और बहुत अच्छी एक खुशबू सी आने लगेगी। देखिए अब हमारा मसाला लगभग भुन गया है। अब हम मसाले में अपने कटे हुए लौकी को डालेंगे और उसको अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छी स्मेल और इसका अरोमा बन जाएगा। और फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम आधा कप पानी डाल देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 तेज़पात का पत्ता यानी बे लीफ। इसको हम तोड़कर इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला देंगे। और फिर अब कुकर की लिड को लगा देंगे और इसमें हमें कम से कम 3 से 4 सीटी लगानी है और फिर बाद में इसको ऐसे ही 10 मिनट तक छोड़ देना है। तो हम कुकर का ढक्कन खोलकर देख लेते हैं। और अब ये हमारा लौकी बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो गया है और ये बिल्कुल एकदम तैयार है। और अब हम इसको हरे धनिया से गार्निश करेंगे। और अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। गाइज, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।